जो भी रिकॉर्डिंग नेम होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर वो नाम पे क्लिक करेंगे और रन वाली बटन में क्लिक करते हैं तो जो भी रिकॉर्डिंग आपने किया था वो सारी रिकॉर्डिंग आपको आपके मॉनिटर स्क्रीन पर शो हो जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर में और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैक्रो। मैक्रो के माध्यम से डाटा की रिकॉर्डिंग की जाती है, जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग की जाती है ऐसे डाटा की भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो इसको बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर। ये आप देख पा रहे हैं हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन में और यहाँ पर मैं आपको मैक्रो करके बताऊंगा कि डाटा की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो डाटा की रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले ये टूल्स वाले मेनू बार को सिलेक्ट करते हैं, ये टूल्स वाले मेनू बार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आप मैक्रो वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैक्रो वाला ऑप्शन दिखा रहा है। इसके बाद रिकॉर्ड न्यू मैक्रो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कोई नाम मांगेगा तो मैंने नाम दे दिया फ्यूचर, हमारे चैनल का नाम है फ्यूचर एसयूपी टेक्निकल पावर तो मैंने इसमें फ्यूचर नाम दे दिया। इसके बाद ओके करते हैं। ये सिंबल ये आप देख पा रहे हैं ये एक नया टूल बार टाइप से शो हो गया है, इसका मतलब ये है कि आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अभी यदि आप इसमें कुछ भी टाइप करेंगे दिस इज ए बॉय या इसमें कोई डिजाइनिंग बनाएंगे, कोई भी बॉक्स आप ड्रा कर दीजिए यहाँ पर, कोई भी ऑटो शेप की यहाँ से कोई भी डिजाइन ले लीजिए, जो भी आप यहाँ से ड्रा करेंगे वो सारी चीज़ें इसमें सेव हो रही हैं, रिकॉर्डिंग शुरू है। जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग होती है बीच में यदि कोई भी बोल देता है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, ऐसे इसमें भी आप जो भी काम करते रहेंगे वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। यहाँ तक यदि आप विंडो क्लोज कर देंगे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा और जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो जैसे ही शो होगा उसके बाद विंडो अपने आप क्लोज हो जाएगी क्योंकि वो भी रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसके बाद में यहाँ पर आप जो भी कुछ करेंगे वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। फिर यहाँ स्टॉप वाली बटन से इस रिकॉर्डिंग को आप स्टॉप कर देंगे, ये रिकॉर्डिंग सेव हो गई है। पता कैसे चलेगा रिकॉर्डिंग सेव हो गई? एक नई विंडो खोल लेते हैं कंट्रोल प्लस एन के माध्यम से और उसमें ये टूल्स वाले मेनू बार को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद मैक्रो, फिर मैक्रोज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जो भी रिकॉर्डिंग नेम होगा वो यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर वो नाम पे क्लिक करेंगे और रन वाली बटन में क्लिक करते हैं तो जो भी रिकॉर्डिंग आपने किया था वो सारी रिकॉर्डिंग आपको आपके मॉनिटर स्क्रीन पर शो हो जाती है। इस तरीके से आप डाटा की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लोगों को नहीं पता होता है कि डाटा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, डाटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। यदि कहीं सडनली आपको ज़रूरत पड़ जाए, कहीं विंडो मान लीजिए बंद हो गई या कुछ भी हो गया तो आप उस डाटा का रिकॉर्डिंग में अगर आप लगाए होंगे तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा, आपका डाटा रिकवर किया जा सकता है। इसीलिए बहुत से लोग रिकॉर्डिंग ऑन करके ही वर्क करते हैं। मैं आगे भी लाइब्रा ऑफिस में विंडोज 2007 में वीडियो बनाऊंगा और इसी अपने यूट्यूब चैनल पर ही पोस्ट करूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ट्रिपल सी के भी वीडियो मैं इसी चैनल पर पोस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूंगा।